So guys, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं IQ के 9T डिवाइस के अंदर आप जो है कीबोर्ड फॉन्ट के अंदर अपनी इमेज कैसे सेट कर सकते हैं। वैसे तो मोस्टली बहुत सारी थर्ड पार्टी एप्स आती हैं जिसकी मदद से आप अपने कीबोर्ड के अंदर अपनी इमेज लगा सकते हो, बट यहाँ पर आपको कोई एप्लीकेशन वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आप आसानी से एज अ बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स यूज करके अपने कीबोर्ड के अंदर अपनी इमेज को लगा पाएंगे। वेल गाइस, कीबोर्ड फॉन्ट के अंदर अपनी इमेज को लगाने के लिए किसी भी एप्लीकेशन या फिर किसी भी ऑप्शन के साथ अपने कीबोर्ड को ओपन करना है। लाइक मैं यहाँ पर सर्च लोकल एप्स का ऑप्शन है, इसको ओपन करके अपने कीबोर्ड को ओपन कर लेता हूँ। आप भी इसको ओपन कर लीजिएगा। इसमें एक आइकन बना होगा सेटिंग्स का, इसको आप प्रेस करेंगे, देन इस टाइप से ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। इसमें एक ऑप्शन होगा थीम वाला, इस थीम वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करना है। एंड ये हमारा थीम है, हम इसको प्रॉपर कस्टमाइज कर सकते हैं। डिफॉल्ट और यहाँ पर कलर्सफुल थीम ये मिल जाते हैं, वॉलपेपर्स के साथ ही मिलते हैं। आप इनको डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं अपनी मर्जी से एक कस्टमाइज करूंगा। इसके लिए प्लस वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पर इमेज चूज करने का आ गया है। तो पहले तो हम इमेज चूज करेंगे, कोई भी एक एज एग्जाम्पल इमेज को हम ले लेते हैं। चलो मेरे पास एक स्क्रीनशॉट है, इसको ले लेता हूँ एंड इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। अब ये इसके अंदर आ चुका है। एडजस्ट ब्राइटनेस का एक ऑप्शन है, इसको अगर ज़्यादा करते हैं तो हमारा ब्राइटनेस ज़्यादा हो जाएगा, इसको कम करेंगे तो कम हो जाएगा। आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे जितने भी ब्राइटनेस के साथ। फिलहाल इतना ठीक है, डन कर देंगे। तो अभी देख सकते हो हमारे पास, मैंने एक एज अ डेमो मोबाइल का फ्रेम यूज़ करा है, बट यहाँ पर आप अपनी इमेज यूज़ करना। मैंने वहाँ पर देखा मेरी इमेज नहीं थी, मैंने स्ट्रेट इमेज यूज कर लिया है स्क्रीनशॉट मोबाइल का। और इसके बाद अप्लाई बटन है, सिंपल अप्लाई कर देंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। एंड आप यहाँ पर आके देखेंगे तो हमारा ये फोन इसके अंदर दिखाई दे रहा है। वैसे जो थर्ड पार्टी एप्स होती है वो भी यही काम करती है, बट बहुत सारे एडवांस चीजें देखने को मिलती है थर्ड पार्टी एप्स के अंदर। इसमें तो फिलहाल ऐसे ही है, आप इसमें से काम चला सकते हो तो चला सकते हो आसानी से। वैसे ये बाय डिफॉल्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इस तरीके से अपने फोन के अंदर कीबोर्ड फॉन्ट पर अपना इमेज आप आसानी से लगा पाएंगे। आई होप गाइस समझे होंगे कीबोर्ड फॉन्ट पर इमेज को कैसे सेट किया जाता है। एंड गाइस, फिर भी अगर कोई कंफ्यूजिंग होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हैंडल वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा।